मैं जयपुर से तीसरी बार आया हूँ आपके यहाँ पे। जयपुर एग्जैक्ट कौन सी जगह है अपनी? प्रॉपर जयपुर में मालवे नगर। तीसरी बार आए, पहले लेकर आए थे अपनी होंडा SP125। अब इन्होंने तगड़ा अपग्रेड कर लिया, अब लिया है भैया MT15। और अलावा इसमें जो है आप लोगों का बैक रेस्ट हो गया, टॉप रैक हो गया, कंफर्टेबल सीट बनाई गई टूरिंग वाली। इसमें क्रैश गार्ड भी नया वाला है, इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो आप, ये इस तरीके से मैग्नेट सिस्टम इसमें हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों कैसे आप सब, मेरा नाम सिकंदर, आप देख रहे हो SKD बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा MT15, क्योंकि यामाहा MT15 पर काफ़ी सारी जो है मॉडिफिकेशन हम करते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हो। और इस तरह के काम कराने के लिए आप लोगों को आना है SKD बाइक वर्ल्ड, पूरा नाम पढ़कर आना, कुछ इस तरीके का हमारा बोर्ड रहता है। और ये इंडिया मोटर के साथ में अपनी शॉप पड़ती है दिल्ली के करोल बाग नाईवाला मार्केट के अंदर, ठीक है। जो हमारा बाइक्स आ रखी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और ये जो भैया लाए हैं, ये भैया कहाँ से लाए थे बाइक अपनी? मैं जयपुर से तीसरी बार आया हूँ आपके यहाँ पे। जयपुर एग्जैक्ट कौन सी जगह है अपनी? प्रॉपर जयपुर में मालवे नगर। तीसरी बार आए, पहले लेकर आए थे अपनी होंडा SP125 और शायद दूसरी बार भी वही लेकर आए थे। दूसरी बार भी वही लेकर आया था, तीसरी बार यहाँ पे। अब इन्होंने तगड़ा अपग्रेड कर लिया, अब लिया है भैया MT15 और ये पूरी की पूरी लोड हो रही है इस बार। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवा चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रहे हैं, काम अभी प्रोसेस का काम चल रहा है। आप देख लो इसमें यहाँ पर मडगार्ड लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए, ये कुछ इस तरीके से इसमें काम चल रहा है। इसके अलावा इसमें जो है आप लोगों का बैक रेस्ट हो गया, टॉप रैक हो गया, कंफर्टेबल सीट बनाई गई टूरिंग वाली। इसमें क्रैश गार्ड भी नया वाला है, हैंड गार्ड, पूरी की पूरी चीज़ें देख लो काफ़ी अलग है, तो इसमें भी काम चल रहा है। और एक यहाँ पर ब्लैक यहाँ पर है, इसमें भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस एक बार आपको दिखाता हूँ ब्लैक वाली MT15 में क्या क्या वर्क किए गए। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक क्रैश गार्ड लगाया है इसमें, जो कि बहुत ज़रूरी है, कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपका जो है इंजन वगैरह ऑल अबाउट सेफ रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल होल्डर हैजार्ड सेटअप लगाया गया है, ये देख सकते हो। इसमें चारों इंडिकेटर एक साथ चलेंगे आपके, और बैक साइड में टेल टैडी अभी मैग्नेट वाली, इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो आप, ये इस तरीके से मैग्नेट सिस्टम इसमें हो जाता है। और साथ ही में लगाए हैं इसमें बुलेट इंडिकेटर, मैंने नाम दिया, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बिल्कुल देखो दिन में भी पता चल रहा है कि हाँ भाई चीज़ है, काफ़ी स्पोर्टी लुक आ रहा है। पीछे का जो ये वाला पार्ट हटाकर अब कुछ इस तरीके से टेल टैडी लगा दी है। इस वाली में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी प्रोसेस में चल रहा है इसे कंप्लीट करके, फिर भैया से ही बात करेंगे लास्ट में, और फिर फाइनल दिखाएंगे मॉडिफिकेशन MT15 की। और MT15 की काफ़ी सारी वीडियो बना चुके, वो भी एक बार आप देख लेना। और ध्यान रखना जब भी आप आना SKD बाइक वर्ल्ड पढ़कर आना, डुप्लीकेट शॉप से सावधान रहना। चेक करो आप फाइनल रिजल्ट। तो इसमें जो हैंड गार्ड लगाए हैं वो लगाए हैं बहुत ही हैवी वाले, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बल्की है। और ये जो बाइक है, ये जो सर है, ये राइड करते हैं, तो उस हिसाब से इन्हें प्रोटेक्शन और जो है उस तरीके से इन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखा है। इसमें हैंड गार्ड होगा जो बहुत ही हैवी, इसमें कलर मिल जाएंगे अपने पास, जैसे कि वो ब्लू आप देख सकते हो, ब्लू रखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें ब्लैक मिल जाएगा, स्मोकी में मिल जाएगा, बाकी और भी काफ़ी सारे कलर आते हैं, तो ये सब कलर इसमें हो जाते हैं। हैंड गार्ड की जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है, मान लो कभी गलती से भी बाइक गिरता है तो आपके हैंड तो सेफ रहते ही हैं, प्लस आपके जो है क्लच लीवर भी डैमेज नहीं होते। तो ये कुछ इस तरीके से जो मेटल की जो क्लैंप आ रही है, तो ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती है, इस तरीके से यूनिवर्सल है। ये इस तरीके की बाइक में लगा सकते हो, उस तरीके की बाइक में लगा सकते हो, किसी बाइक में लगा सकते हो, तो ये लग जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्कूटी में जाते हो तो भी ये काफ़ी हद तक लग जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एडजस्टेबल वाले लीवर्स लगे हुए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इसमें भी कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसमें ब्लू लगाया, बाकी आप चाहो तो ब्लैक भी लगा सकते हो। इसके अलावा इसका इग्निशन ऑन करके और आपको दिखाते हैं चीज़ें। तो गाइस की आइस का आप देख लो डिज़ाइनिंग कैसा है, ब्लू कॉन्सेप्ट रखा गया है। अब काफ़ी सारे लोग जो है आइस में किसी और तरीके का डिज़ाइन चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। बाकी ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप लोग बता देना। ये इसकी आइस की डिज़ाइनिंग देख लो आप, और इसकी आइस के अंदर भी हैजार्ड लगा हुआ है, यानी कि एक तो होता है चारों इंडिकेटर से चलते हैं, एक तो वो सेटअप होता है, और एक सेटअप होता है जो इसके आइस हैं, इसके जो है अंदर हैजार्ड लगा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया, रिंग लगा रखा है ब्लू कलर का, एक यहाँ पर वाइजर आ गया जो कि लुक को इन्हेंस कर रहा है। इसके अलावा हैजार्ड लगा हुआ है अंदर, जो कि चारों इंडिकेटर से चलाने के लिए है। रेडिएटर ग्रिल इसमें लगी हुई है, एंड फोर स्लाइडर सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, जो कभी गलती से ही बाइक गिरता है सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते हैं, ये फोर स्लाइडर आ गए। इसके अलावा HJG की यहाँ पर फॉग लैंप्स लगी हुई है विद माउंट, यानी कि क्लैंप के साथ में लगा रखी है। और इसका यहाँ पर स्विच है, आपको दिखाते हैं, ये लो जी। और ये हायरनेस वायरिंग के साथ में लगाया गया है, जिसमें आपको जो है फ्लैशिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो गाइस।
तो ये इस तरीके से आपकी फॉग लैंप्स हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश गार्ड देख सकते हो कितना हैवी वाला इसमें लगा रखा है। जो गलती से भी बाइक गिरा तो आपका इंजन, आपका जो है रेडिएटर, आपका टैंक और आपके लेग्स पूरे के तरीके से रहते हैं सेफ। इस जगह से भी देख लो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लुक है। इसके अलावा टूरिंग सीट लगाई गई है जो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बनाई गई है। कलर डिजाइनिंग आप चेंज भी कर सकते हो, ये सर ने अपने हिसाब से करा रखा है। तो ये कंफर्टेबल सीट हो गई फॉर टूरिंग, स्पेशली टूरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर मडगार्ड लगा दिया एक्स्ट्रा, जो मिट्टी वगैरह अंदर जाती है तो अब नहीं जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर सिलेंडर कैप लगी हुई है रियर वाली, जो कि आपका कुछ इस तरीके से सेफ्टी करती है। जो ये बॉक्स आता है प्लास्टिक का आता है, तो ये मेटल का इसके ऊपर पूरा कवर अप हो चुका है। तो ये हो गया इसका लुक। पीछे आते हैं तो यहाँ पर टॉप रैक पूरी फिटिंग के साथ, इस पर टॉप बॉक्स लगा सकते हो आप लोगों को टॉप बॉक्स लगाना। और ये आ गया बैक रेस्ट, जो कि पीछे बंदा बैठेगा तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर गियर शॉक्स लगा हुआ है, थोड़ा सा बाइक आया करना और आपको इस साइड से भी दिखा देते हैं कि इस क्रैश गार्ड का लुक कैसा है। ये देख लो गाइस, तो इस क्रैश गार्ड का आप लुक देख लो इस एंगल से भी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है भाई। तो ये हो गई यामा MT-15 की, और उस वाली की वीडियो मैंने आपको दिखाई दी है। इस तरह के काम कराने के लिए आ सकते हो आप दिल्ली के करोल बाग नाईवाला मार्केट में। बैक साइड में इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये KTM वाले इंडिकेटर हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई गाइस। और कहना चाहते हो आप, कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हो आप। भाई कहना ये चाहता हूँ कि सिकंदर भैया के दुकान पे आओ, जेन्युइन काम होता है, रीजनेबल प्राइस में होता है। और भाई छोटा मोटा एक मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, अंश बोले का। अच्छा। हेल्पिंग वाले कंटेंट डालता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप जाके विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पे। भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अंश बोले का, अंश भोले का हेल्पिंग वाले कंटेंट डालता हूँ दोस्तों, है ना, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। एक बार चेक करके बताओ, कोई कमी लग रही है तो आप बताना, उसको भी करेंगे। और बाकी फॉलो जरूर कर लो यार, उनको भैया को फॉलो कर लो और हमें फॉलो कर लो। बाकी आप आए हमारे शॉप पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भैया। और जब भी आपने आना, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आना है। वैसे दिल्ली के करोल बाग नाईवाल मार्केट में आना है। नाईवाल मार्केट में वो सामने मस्जिद है इधर, ये रही हमारी SKD बाइक वर्ल्ड इंडिया मोटर, और सामने है धर्मशाला। तो यहाँ पर आप आ सकते हो अपनी शॉप पर। बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हो। मिलता किसी नेगेटिव तक। बाय, जय हिंद, जय भारत।